तो डिग्री रखने वाले लोगों को आजकल नौकरी में खतरा होने लगा। आखिर वजह क्या है? तो उसकी वजह है डायरेक्ट सेलिंग। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी वो वजह है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे डिग्री वाले लोगों को, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिग्री वाले लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग पीछे छोड़ते जा रही है, नौकरी में उनको खतरा दे दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आगे से आने वाले समय में जो भी आप प्रोडक्ट और सामान होगा, आपको किसी कंपनी, रिटेल कंपनी के माध्यम से नहीं, आप सीधे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम तक पहुंचेगा। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है तो ठीक है, हम आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि इसमें 327 कंपनी ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही हैं और पढ़े लिखे लोगों की नौकरियों को अलग कर दिया है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़े लिखे लोग, समझ में तो आएगी नहीं उनको ये बात, क्योंकि पढ़े लिखे डिग्री वाले लोगों को तो नौकरी बस पता है कि नौकरी होती है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आती है, उनकी बात नहीं है वो अलग बात होती है, वो समझदार लोग कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग डिग्री धारी लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग में करना पसंद नहीं होता, उनका ये लेवल का नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में सारी नौकरी को कंपनी खत्म कर देगी, बस बचेगा तो यही कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सीधा सामान जाएगा जो वो लेकर जाएंगे डायरेक्ट सेलर। जाएंगे नहीं, जाने लगे हैं। और पिछले 2 साल से इतना केस बढ़ रहा है, इसका इतना केस बढ़ रहा है कि हवा की तरह धोखा चल रहा है। तो हम जैसे लोग तो डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले बड़े समय में पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे डिग्री वाले लोग इस काम से वंचित रह जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि उनको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता इस काम को, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम नौकरी करेंगे, लेकिन उनको कौन बताएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस होता है। अब कैसे होता है, इसके लिए इसी चैनल पर, रियल इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि कौन सी कंपनी क्या है, किस तरह का व्यापार करती है, तो ये सारा डाटा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इसके वीडियो और भी देख सकते हैं। मेरा बताने का मतलब यही था कि लोगों की नौकरी अब छीनने लगे हैं डायरेक्ट सेलर, तो पढ़े लिखे होने का ज़्यादा मतलब कुछ निकलता नहीं है। इसमें कम पढ़े लिखे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और लाखों रुपये हफ्ता और महीना कमा रहे हैं। तो यही था मेरा मोटिव बताने का नेटवर्क मार्केटिंग का। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।